हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं एक बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस कलकत्ता के स्ट्रीट फूड चाट लेके आई हूँ, चुरमुर चाट। ये बनाने में जितनी आसान है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट होती है और ये बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप और हम मिलकर बनाते हैं चुरमुर चाट। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, इसमें हमने ये छोटी छोटी कटिंग करी है एक आलू की, ये डालेंगे। अब हम इसमें, मैंने ये एक छोटा बॉल चना बॉईल करके रखा है, ये डालना है। एक प्याज को मैंने छोटा बारीक कटिंग कर लिया है, हम ये इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये एक चम्मच मसाला बनाएंगे, ये 5-in-1 मसाला है, आप इसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ये चुरमुर मसाला है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पर हम 1/4 teaspoon काला नमक का लेंगे, ये हम इसमें डालेंगे। काला नमक का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इससे चटपटा भी बनता है थोड़ा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon लाल मिर्च का। अगर आप इसमें हरी मिर्च का कटिंग डाल रहे हो तो आप लाल मिर्च थोड़ा कम भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ी सी इमली भिगाई थी, ये उसका पानी रेडी किया है। नॉर्मल हमें इमली लेना है और उसका थोड़ा पतला पानी निकालना है, वो मैं यहाँ पर तकरीबन 4 tablespoons के करीब मिला रही हूँ। यहाँ पर हमें ये पानी पूरी लेना है, इस तरह का 10-15 पीस पानी पूरी लेकर टुकड़ों में कर लेना है हमें और इसमें मिक्स करना है। अब यहाँ पर हमें हाथों का इस्तेमाल करना है, चम्मच से ना मिलाएं, हाथ से ही मिलाएं तो इसका परफेक्ट टेक्सचर आएगा। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है जिससे कि थोड़ा आलू भी मैश हो जाए बढ़िया। ये देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल जैसे कलकत्ता में मिलता है चुरमुर चाट स्ट्रीट साइड में। ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनता है। अब हम इसे बाउल में निकाल देंगे, इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब आप चाहो तो इस तरह का बारीक मुरमुरा ये सेव डालकर भी आप गार्निश कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गार्निश करो, वरना ये आप प्लेन भी खा सकते हो, प्लेन ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय।